श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, तो एक जल के पात्र में जल भरकर पांच बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है मारा, उसका दोष है। आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी आती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग, बोलिए एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए, जम के बोलो जरा, भगवान की। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।